हजारीबाग ट्रैफिक प्रभारी रोहित कुमार ने लोगों से कहा नियमों का पालन करें और सदैव सुरक्षित रहें। हजारीबाग जिले के एसपी मनोज रतन चौथे के आदेशानुसार ट्रैफिक अवेयरनेस फैलाने के लिए एक छोटी सी प्रयास की गई है। खासकर वैसे बालक जो अभी नाबालिग है और टू व्हीलर स्कूटी और मोटरसाइकिल चलाते हुए पाए गए, इसी को लेकर हजारीबाग ट्रैफिक इंस्पेक्टर रोहित कुमार के द्वारा ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए नाबालिग बच्चों को पकड़ा गया, जिसके बाद बच्चों के परिजनों को बुलाकर बच्चों के समक्ष बच्चों एवं गार्जियन को समझाया गया। आम पब्लिक से भी अपील की गई कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सदैव सुरक्षित रहे। पुलिस अधीक्षक महोदय हजारीबाग के आदेशानुसार सबसे पहले हम लोग को जो बताया गया है कि लोगों के प्रति जो ट्रैफिक का जो नियम है उसको जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार प्रसार किया गया, उसी के माध्यम से हम लोग आज जो है नाबालिग बच्चों को जो ड्राइविंग कर रहे थे उनको अपने ट्रैफिक थाना परिसर में बुलाएं और उनको ये बात से अवगत कराएं कि बिना मैच्योर हुए 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी नहीं चलाना है, अगर चलाते हैं तो इसमें भी एक नए तरीके से जो है प्रावधान है, उसके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस बनती है, बट बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाएं। और साथ ही साथ गाड़ी चलाते समय हेलमेट का उपयोग अवश्य रूप से करें और यातायात की नियमों का पालन करने से सबसे बड़ा ये विशेष रूप से फायदा है कि खुद की जान सुरक्षा में होती है और दूसरे की भी जान सुरक्षा में होती है, और इसमें छोटी लापरवाही में कितना बड़ा नुकसान हो जाता है इसका अंदाज़ा लगाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी के तहत आज हम लोग एक ड्रग एंड ड्राइव जो वाहन दारू पी के चलाते हैं उसके लिए हम लोग एक मुख्यालय द्वारा हम लोग को टेस्ट किट उपलब्ध कराया गया है, उससे हम लोग रेगुलर ये जाँच पड़ताल करेंगे कि किन्हीं वाहन चालकों द्वारा दारू पीकर तो गाड़ी नहीं चलाया जा रहा है। इसका आज हम लोग से शुरुआत कर चुके हैं और इसका एक बेहतर परिणाम हम लोग को मिलेगा शहर में देखने के लिए कि लोग इससे परहेज करें।